अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्या गिवन है? थ्री वर्कर्स ट्रम्प पुटिन एंड जिंगपिंग आर अपॉइंटेड टू डू अ जॉब। दे टुगेदर स्टार्टेड द जॉब बट जिंगपिंग लेफ्ट आफ्टर 3 डेज व्हेन 37% ऑफ द वर्क वॉज डन। ठीक है, मतलब ट्रम्प है, पुतिन है और जिंगपिंग है, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी, हम एफिशिएंसी लेट कर देते हैं कि ट्रम्प एक दिन में टी यूनिट का काम खत्म करेगा, पुतिन एक दिन में पी यूनिट का काम खत्म करेगा और जिनपिंग एक दिन में जे यूनिट का काम खत्म करेगा। तो ये बोला गया दे टुगेदर स्टार्टेड टू डू जॉब बट जिंगपिंग लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन इन तीनों ने साथ में काम किए, तो टी प्लस पी प्लस जे, ये एक दिन का काम हो गया इनका, इन टू थ्री, ये 3 दिन का काम हो गया। ठीक है, 3 दिन का काम, और 3 दिन में जितना काम कर रहे हैं वो क्या है, 37% ऑफ द जॉब, तो 37% ऑफ द टोटल वर्क। हमारा एक फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो ये मैंने एफिशिएंसी लिखी, ये 3 दिन काम किया और टोटल वर्क का सिर्फ 37% हुआ है, तो यहाँ पे 37 लिख दिया, तो इसको हम इतना लिखे रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं, और क्या गिवन है, द रिमेनिंग जॉब वॉज कम्प्लीटेड बाय ट्रम्प एंड पुटिन इन 7 डेज। ठीक है, तो बचा हुआ काम ट्रम्प और पुतिन ने कितने दिन में किया है, 7 डेज में किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर 37% कम्प्लीट हुआ होगा तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 63% वो इन्होंने कम्प्लीट किया होगा टोटल वर्क का। ठीक है, अब इसको देखते आगे क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ एफिशियंसी ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन इज 4:5। अच्छा ठीक है, मतलब ट्रम्प और पुतिन की रेशियो गिवेन है, मतलब ट्रम्प अगर 4x है तो पुतिन कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये तो हमारा जे ही है। ठीक है, तो अब इसको लेट कर लेते हैं, ट्रम्प की टी की वैल्यू 4x है और पी की वैल्यू कितनी है, 5x है, इंटू 7, और ये हो रहा है आपका 63/100 टोटल वर्क। इसको हम आगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो 7 9 63 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 4 + 5 9x इज इक्वल्स टू 9/100 इंटू टोटल वर्क, या फिर 99 और कट जाएगा, और टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × x, ये आपके टोटल वर्क की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं टोटल वर्क की इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू आपकी कितनी है, 4x है, ये इस टी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है, 5x है, और जे की वैल्यू तो जे ही है, इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 37/100, और टोटल वर्क हमारा 100x आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 100x, 100 कट जाएगा, तो सॉल्व करते आगे, 4x + 5x कितना हो जाएगा, 9x + j इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 37x, 9 × 3 = 27x + 3j = 37x, या फिर 3j की वैल्यू कितनी आएगी, 10x, या फिर j की वैल्यू आ जाएगी 10x/3। अब क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय द स्लोएस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। अच्छा, इसकी भी एफिशिएंसी कितनी है, 10/3, 10x। अब सबसे कम एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इसकी 5x है पुतिन की, इसकी 4x है, और इसकी सबसे कम होगी 3.33, कुछ चलती रहेगी ऐसे, ठीक है, 3.33x, तो सबसे कम इसकी है जिंगपिंग की, तो सबसे ज्यादा टाइम इसको लगेगा, स्लोएस्ट वर्कर ही है, तो फॉर्म कैलकुलेट कर लेते, टाइम क्या होता है, एफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशियंसी कितनी है, 10/3x, और टाइम कितना लगेगा वही हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल वर्क है कितना, वर्क कितना है हमने वो निकाल लिया था, 100x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x। सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे, 100x लिखा है, नीचे जो 3 डिवाइड हो रहा है वो इधर आ जाएगा ऊपर, और 10x नीचे आ जाएगा, x कटा, 0 0 कटा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, तो 30 डेज का समय इसको लग जाएगा वो काम खत्म करने में, स्लोएस्ट वर्कर को।